दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ती बंदूक फायरिंग की घटनाओं और गैंगस्टरों की आपराधिक गतिविधियों के मद्देनजर बाहरी उत्तरी जिले के स्पेशल स्टाफ टीम ने कुख्यात हथियार आपूर्तिकर्ता के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व इंस्पेक्टर द्वारा किया गया, जिसमें एसआई परवीन, एसआई जितेंद्र, एसआई विनोद, हेड कांस्टेबल आशुतोष, हेड कांस्टेबल दीपक और हेड कांस्टेबल सुधीर सहित विशेष स्टाफ की एक समर्पित टीम शामिल थी। आरोपियों की गतिविधियों और हथियार आपूर्ति के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए टीम ने आरोपियों के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाना शुरू किया। 7 सितंबर 2024 की रात को तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर फैब्रिक हॉस्पिटल नरेला दिल्ली के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो हथियारों और गोला बारूद से लैस था। खुफिया जानकारी के आधार पर टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके में जाल बिछाया। आरोपी के आते ही पुलिस ने उसे रोका और हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास एक काले रंग का बैग पाया गया, जिसमें 4 अत्याधुनिक देशी पिस्टल और 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह मेरठ और मुरैना से अवैध हथियार लाता था और उन्हें अपने पास जमा करता था। बाद में वह इन हथियारों को दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले और हरियाणा के आसपास के जिलों में सक्रिय गैंगस्टरों को सप्लाई करता था। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन नरेला में एफआईआर के तहत आरोपी के खिलाफ धारा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और मामले की आगे की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।